अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एग फ्राइड राइस की रेसिपी, जो रेस्टोरेंट से भी बहुत टेस्टी हम घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं एग फ्राइड राइस। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक पैन गरम करने रखा है और उसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून तेल। तेल अच्छा गरम होने देंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 अंडे। तो अंडे को देखिए मैंने फोड़ लिया है यहाँ पर, वो अंडे हम इसमें डाल देंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए अंडे को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और फ्राई हो गया है ये। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे और इसी पैन में हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून तेल। तेल को अच्छा गरम होने देंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा लहसुन बारीक कटा हुआ और थोड़ा सा अदरक बारीक कटा हुआ, और कुछ सेकंड के लिए हम इसे सौते कर लेंगे। कुछ सेकंड सौते करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरी प्याज का वाइट हिस्सा। देखिए इसे मैंने गोल गोल कट कर लिया है। अगर आपके पास हरी प्याज नहीं है तो आप अपनी सादी प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ सेकंड के लिए सौते करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, साथ में ऐड करेंगे थोड़ी सी गाजर बारीक कटी हुई और थोड़ी सी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। आप इसमें चाहे तो पत्ता गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें पत्ता गोभी ऐड नहीं की है। अगर आप पसंद करते हैं तो आप ज़रूर इसमें पत्ता गोभी भी ऐड करें। तो ये हम भून लेंगे लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर सब्जियों को। 1 से 1.5 मिनट भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। तो सब्जियों के हिसाब से हमें यहाँ पर नमक ऐड करना है। बाकी के हम जो सॉस इस्तेमाल करेंगे उसमें हमने नमक का होता है ऑलरेडी नमक, और चावलों में भी हमने नमक का इस्तेमाल किया है। तो मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल। तो यहाँ पर मैंने बासमती राइस ले लिया है, तो हम इसमें 1.5 कप जितने बासमती राइस ऐड कर देंगे। चावल को मैंने पूरा पका लिया है, उबाल लिया था मैंने चावल को पहले से ही नमक डालकर। चावल ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून शेजवान चटनी, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 1 टेबलस्पून ब्लैक सोया सॉस और 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे विनेगर। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरह से हमने चावलों को इसमें मिक्स कर लेना है। तो ये हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे फ्राई किया हुआ अंडा, साथ में ऐड करेंगे हरी प्याज कटी हुई और मिक्स करेंगे। हाई फ्लेम पर ही हमें इसे मिक्स करते जाना है और ये हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल से भी बढ़िया एग फ्राइड राइस बनकर तैयार है। तो ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और अब हम इसे गैस की फ्लेम बंद करेंगे और गर्मा गर्म करेंगे सर्व। आप इसे सर्व करें शेजवान चटनी के साथ। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।